फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के साथ में दिक्कत होती है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है। तो आज मैं आपके साथ में सिंपल सी एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो कि आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, या फिर आप अपने काउच वगैरह पे बैठ के भी आराम से कर सकते हो। इन एक्सरसाइज को करने से ना ही तो आपका कमर दर्द बढ़ेगा, ना ही आपका घुटनों का दर्द बढ़ेगा। चाहे आपकी कुछ भी एज है, आपका कितना भी वजन है, 100% आप इन प्रैक्टिसेस को मेरे साथ साथ में कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप इनको रेगुलरली करना, एंड आई एम श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पर इन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो आपके पेट का फैट, आपके कमर का फैट, आपके ब्रेस्ट का फैट और साथ में पैरों का फैट, यानी कि ओवरऑल आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा फैट होगा वो आपका रिड्यूस होना शुरू होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे पैर तो ठीक है, सिर्फ कमर के लिए एक्सरसाइज बताओ या सिर्फ पेट के लिए एक्सरसाइज बताओ। तो देखो, ऐसा नहीं होता, आप एक्सरसाइज करो, ये आपकी बॉडी को खुद से पता है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा फैट है, आपकी बॉडी वहीं से फैट को कम करती है। ऐसा नहीं है कि आपका पेट निकला हुआ है लेकिन अगर आपने पूरी बॉडी के लिए वर्कआउट कर लिया तो आपके पैर बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके बाकी बॉडी की टोनिंग होगी और जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट है वो आपका रिड्यूस होगा, है ना। तो आप जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैपेबल हैं करने के लिए, उन सारी एक्सरसाइज को आपको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके बाकी जॉइंट्स भी एक्टिव रहे, आपको जॉइंट रिलेटेड इश्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, बहुत मेहनत जाती है आपके लिए कॉन्टेंट लिखने में, वीडियो शूट करने में, तो थोड़ा सा तो मेहनत का फल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके आसपास में जान पहचान में जो भी लोग ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है उनके लिए ये एक्सरसाइजेस फायदेमंद हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी अपर बॉडी के लिए है और आपके कमर के पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए है। तो इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे इस तरह से, और फिर पूरा इस तरह से पीछे लेके जाइए, ऐसे पूरा आगे और पूरा चेयर के पीछे इस तरह से, ठीक है। चलिए, इसके हम टोटल 10 राउंड करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से आपको करना है। जब हाथ आगे लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधे, हाथ पीछे लेके आ रहे हैं तो आप पीछे इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज टच कराने का ट्राई कीजिए, हो सकता है कुछ लोगों का ये जॉइंट काफ़ी स्टिफ हो तो पीछे हाथ टच नहीं हो पा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ओके, ठीक है। जितना मैक्सिमम कर पा रहे हैं ट्राई योर बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आपके जो लटका हुआ फैट होता है, आपकी आर्म्स बहुत ढीली होती है या तो बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसको रिड्यूस करने में प्लस आपकी ब्रेस्ट मसल्स को टाइट करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए दोनों हाथ को इस तरह से साइड में रखेंगे और 1 by 1 ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे एक हाथ ऊपर फिर दूसरा हाथ ऊपर, ऐसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से कमर को सीधा रख के आपको करना है। इंटेंसिटी क्या होनी है ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट इश्यूज़ हैं, कभी आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया है, बॉडी बहुत स्टिफ है, तो ये प्रैक्टिस को आप इस तरह से ऐसे धीरे धीरे करके कर सकते हैं या फिर आप इसको फुल स्पीड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम करेंगे टोटल 20 राउंड्स, तो चलिए साथ में करते हैं, हाथों को साइड में रखिए एंड लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज करके अच्छा लग रहा होगा। आप में से जो लोग मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए कौन कौन है जो मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जिसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, पूरा इनहेल करेंगे, पूरा पीछे तक लेके जाइए हाथों को एंड देन एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस एक्सरसाइज को वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कमर दर्द की शिकायत है, या तो लोअर बैक, जिनका स्टिफ है लोअर बैक में बहुत दर्द रहता है जिसकी वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो लोग भी इनको इसको कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप आगे जा रहे हैं तो आप इस तरह से अपने चेस्ट को आगे की तरफ लेके जाइए, ऐसे कमर को मत झुकाइए, ऐसे कमर को झुकाएंगे तो फिर आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है, अगर पहले से दिक्कत है तो ये बढ़ सकती है। तो इसलिए सीधे बैठो और सिर्फ इस तरह से अपनी चेस्ट को आगे की तरफ लेके जाओ एंड देन बैक, चेस्ट को आगे एंड देन बैक, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आ जाइए यहाँ पे एंड देन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज आपको देखने में तो बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन ये करने में आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि आपके पूरे जॉइंट्स को ओपन कर रही हैं, आपके बॉडी को पूरा एक्टिव कर रही हैं और आपके ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ा रही हैं। और यही सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और वजन घटाने में, फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो कीप कंटिन्यू, प्रैक्टिस करते रहिए, अभी ख़त्म नहीं हुई है और प्रैक्टिस हम साथ में करने वाले हैं। तो सीधे बैठिए, अगली प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा पीछे मुड़ना है और अपनी चेयर को पकड़ना है इस तरह से, ये ऐसे चेयर पकड़िए, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, राइट लेफ्ट। ठीक है, शुरुआत में तेज़ी के साथ मत करना, आराम से इस तरह से पकड़िए और हल्का सा अपनी कमर को ना पीछे ट्विस्ट कीजिए, ऐसे पीछे देखने का ट्राई कीजिए, फिर धीरे से दूसरी तरफ से। ये चीज़ मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी कमर में प्रॉब्लम है या जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, जॉइंट्स इनके स्टिफ हैं, तो झटके से नहीं करना, आराम आराम से करना। ठीक है, और जब आपको आदत लग जाए, आपको लगे आप आराम से कर पा रहे हैं, तो फिर अपनी स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 10 राउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, पीछे देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। रिलैक्स हियर, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आई रियली होप कि आपको एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखेंगे चेयर के, जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे, नहीं तो आप इस तरह से अपने पैर की, जो ये पैर हैं आपकी चेयर के, ये आप पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से कंफर्टेबल बैठ जाइए, कमर को सीधा कीजिए, दोनों पैरों को सामने रखिए और एक एक करके पैर को आपको आराम आराम से इस तरीके से ऊपर उठाना है। जिन लोगों को नी का प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द रहती है, ऑस्टियो का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके का घुटने में दर्द है, चोट लगी है, कोई भी इश्यूज़ है, वो लोग भी ये प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर को सीधा कीजिए, हाथ को सीधे कीजिए एंड देन स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 10 काउंट्स। जितना पैर का ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए आप इस तरह से पैरों को खोल दीजिए, ये पैरों के बीच में गैप बना दीजिए ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब आराम से आप आगे झुकेंगे, फ्लोर को टच करेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ से। इनहेल बोथ हैंड्स अप, एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जिनकी कमर में दर्द है वो लोग भी इस प्रैक्टिस को एक बार ट्राई प्लीज़ ज़रूर कीजिए, पर ध्यान ये रखना, अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, आपको ऐसे नहीं मुड़ना है, ये ऐसा नहीं मुड़ना, अपने चेस्ट को आगे करो, अपने जो आपका ये मिडल बैक है ना, ये कमर का बीच वाला हिस्सा, इसको थोड़ा अंदर की तरफ आर्क दो, जिससे आपकी लोअर बैक को यहाँ पे सपोर्ट मिल सके, क्योंकि यहीं पे तो आपको दर्द होता है ज़्यादा करके लोअर बैक में ना, तो इसको सपोर्ट मिल सके, इसके लिए कमर को इस तरह सीधा करके आगे जाइए और फिर इसी तरीके से ऊपर, हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके ऐसे ऊपर, पूरा नीचे, पूरा ऊपर। ठीक है, अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है या आपको डर लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके टोटल हम 10 राउंड करेंगे। सो लेट डू इट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3, exhale, 4, exhale, 5, exhale, 6 Exhale, 7, exhale, 8, exhale, 9, exhale, and 10, exhale, and that's it. इस तरह से बिल्कुल आराम से बैठिए। एक लास्ट प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ, मैं आपको सामने से बता रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठेंगे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड।
आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, बॉडी में काफ़ी हल्कापन और खुलापन सा आपको महसूस हो रहा होगा। सो आपको क्या करना है, अभी आपकी नाक से आपको पूरा सांस अंदर भरना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, इस तरह से। नाक से सांस अंदर भरिए, बाहर छोड़िए, एक बार और। लास्ट राउंड, लंबा गहरा सांस धीरे धीरे करके अंदर भरिए, फील द एयर इन योर स्टमक एंड देन एक्सहेल। एंड देन कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज करके काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो अपने जोड़ों का आप मसाज ज़रूर कीजिए। मसाज के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई पेन किलिंग ऑयल है, जैसे दर्द निवारक जो तेल आते हैं, किसी भी तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। प्लस अपनी डाइट में आप विटामिन डी और कैल्शियम अच्छी मात्रा में लीजिए। कैल्शियम के लिए आप दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, और तिल आप ले सकते हो, मशरूम आप ले सकते हो, पनीर ले सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, नट्स को आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में रखो तो आपका जो जॉइंट पेन की दिक्कत है वो भी कम होगी, बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है वो भी आपका डाउन होगा, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और जो बॉडी में स्टिफनेस है वो आपकी धीरे धीरे करके कम होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसी तरीके की चेयर एक्सरसाइज का अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।